अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो हम बताने वाले हैं आपको कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है एंट्रेंस एग्ज़ाम पीजी का यानी एलएलबी का, अगर आप किसी भी प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आर्ट्स वाले हो या फिर कॉमर्स वाले हो या फिर मेडिकल वाले हो, तो आज इस वीडियो में आपको मैं दो तीन बातें यहाँ पर बता दूँगा ताकि जो एग्ज़ाम आने वाला है आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा उस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। सबसे पहले करना क्या है, आप सभी लोगों को, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन करना। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो वहाँ पर जाके ज्वाइन हो सकते हो। सबसे पहले जब भी हम कोई एग्ज़ाम की जो है रजिस्ट्रेशन करते हैं या फिर कोई भी प्लान बनाते हैं, उससे पहले हमें जो प्रीवियस रिकॉर्ड होता है उस पर थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कट ऑफ क्या रहता है, 2023 में कट ऑफ क्या हो गया था, मैंने जिसमें जो अप्लाई किया है उसमें जो है वो ज़्यादा सीट्स मत है या कम सीट्स मत है, या फिर उसमें जो है वो बच्चे कम जाते हैं या फिर जो कैटेगरी वाइज है वो ज़्यादा जाते हैं, बाकी जो मसला है वो सब कुछ क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। दूसरी बात है कि सिलेबस, सिलेबस आपको कैसे डाउनलोड करना है, समझा सकता हूँ आपको कि जो आपका सिलेबस है वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना होगा एडमिशन पर, एडमिशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एंट्रेंस सिलेबस यहाँ पर जाना पड़ेगा आपको। उसके बाद जो फैकल्टी है, चाहे आप लॉ में करना चाहते हो, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल एलएलबी करना चाहते हो, आप एलएलबी पे यहाँ पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद जो है आपके सामने पीडीएफ जो है वो डाउनलोड हो जाएगी, और एलएलबी में सिलेबस क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो, किसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, सब कुछ यहाँ पर डिटेल लिखा हुआ है। और उसके बाद करना क्या होता है, अब रहा सवाल कि बुक्स क्या आप यूज़ करोगे एलएलबी के लिए, कौन सी बुक यूज़ करोगे या फिर पीजी जो एमए है उसके लिए यूज़ क्या करोगे, या फिर एमएससी करना चाहते हो उसके लिए कौन सी बुक यूज़ करोगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, मार्केट में जो है अभी अवेलेबल होता है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस में करोगे या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में करोगे या फिर इसी तरीके से जो बाकी कोर्सेज है उसमें करोगे, सबसे पहले सिलेबस तो आपने अपने साथ रखा होगा। दूसरी बात है कि प्रीवियस पेपर, जो कि प्रीवियस पेपर्स भी एंट्रेंस सिलेबस के नीचे होता है, यहाँ पर मैं हाईलाइट भी करूँगा, यहाँ पर प्रीवियस पेपर्स भी है, यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। और जो आंसर की है, आंसर की आप यहां पर देख सकते हो कि यानी कि जो मैं कर रहा हूं कोई पेपर उसके आंसर की भी आप फिर चेक कर सकते हो, वो दूसरा मसला है। अब यहां पर रहा सवाल कि आप कौन से बुक्स पढ़ोगे जब आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे किसी भी फील्ड में, पीजी करोगे, ठीक, तो आपको सबसे पहले जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में करंटली पढ़ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में पीजी वाले या सेकंड सेमेस्टर में पीजी वाले, जो आपके साथ फैकल्टी सेम है, उनको भी वही फैकल्टी है जो आपको है, उनके साथ आप बात कर सकते हो। अगर बात करने की जो है वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तब भी मैं सजेशन करूँगा कि आप बात कर सकते हो उनसे और उनको बता दो कि आपने कौन सी बुक्स पढ़ी है, वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि हमने कौन सी बुक्स पढ़ी है। पहला ऑप्शन है, अगर आपका कोई रिलेटिव नहीं है वहाँ पढ़ रहा है, ना ही कोई कनेक्ट हो कॉन्टैक्ट है वहाँ पर, उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उसके लिए सिंपली आपको जो होगा मार्केट में जाना पड़ेगा। मार्केट में सबसे पहले अपना सिलेबस साथ ले जाओ और उस जो बुक सेलर होता है उनको, उनसे बात करो कि मुझे सिलेबस ये है, इसके लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, ठीक, क्योंकि उनको पता होता है कि बेस्ट बुक कौन होती है, क्योंकि जो टॉप करते हैं वो वहीं से बुक लाते हैं जहाँ पर आप जाओगे, और उनको बता दोगे कि हमें जो है कौन सी बुक लेनी है और हमें आप बता दीजिए, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस में करोगे, एमएससी करोगे या फिर कोई और चूज़ आपने किया होगा, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप जो है वो क्वालिफाई करोगे पीजी का एंट्रेंस। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आ रहा है रजिस्ट्रेशन के दौरान, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ पर लिंक है डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो ताकि मैं उसका आपको रिप्लाई कर सकूँ, ठीक। और किस किस ने किस सब्जेक्ट में जो है वो अप्लाई किया है वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल के लिए ये आपको करना है कि दो तीन बातें ज़रूर याद रखिए, एंट्रेंस सिलेबस और साथ ही साथ प्रीवियस पेपर, सेकंड और थर्ड बात कि आप किसी से बात कर लो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो, उन्होंने क्वालिफाई किया, अगर वो नहीं तो तब भी आप बुक शॉप के पास जाओ, उनको बता दो कि सिलेबस ये है, कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, वो आपको सजेस्ट करेगी। फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।